जब हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को समझ दे क्या हम लोग को मौका मिला। और इसी धरती में आज हम आवास आबुआ आवास 35,000 लाभुकों से हमने शुरुआत कर रहा सरकार।
इसीलिए आज पहले पेंशन था, एक सीमा का टारगेट था, हम इतना के बाद हम नहीं करेंगे, लेकिन गांव का स्थिति देखा, यहां का परिवार का स्थिति देखा, जो आज गर्मी सीजन में पैर में जूता नहीं है, ठंडा का समय बदन में गर्म कपड़ा का नसीब नहीं, ऐसा स्थिति में कि हम सबको पेंशन देंगे, ऐसे कानून बना दिया, आज सवर जन पेंशन योजना चालू कर दिया, गांव में सभी को पेंशन मिलेगा। आज उसको कैसे करके आवेदन किया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला के उपायुक्त, जिला का डीसी, सारा पदाधिकारी गांव की ओर चल दिया, एक दिन में आवेदन लिया और उसी दिन स्वीकृति हो गया। ये देश के अंदर सबसे बड़ा पहला राज है, इस तरह का व्यवस्था के जनता के बीच से उनका समस्या जाना और आवेदन लिया और स्वीकृति का एक दिन में बिचौलिया का जागरण नहीं हुआ। ये तो काम का तरीका था। कौन कहता है जनता के बीच में ये सरकार नहीं काम किया, जना सरकार बनने के साथ ही हमारा भाजपा वाला लोग कभी स्थिर से नहीं रहने दिया। हम जानते हैं केंद्रीय एजेंसी को हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी लगा दिया, जिसका नाम
पर स्टील प्लांट के आसपास का स्थिति, गिरिडीह के आसपास का स्थिति बड़ा नजदीक से इसी धरती से गिरिडीह का धरती पीठ और धरती से झारखंड आंदोलन का बिगुल बजता था। ये कौन नहीं जानता है? इसलिए आज आता है।
के जाल बिछा दिया फ्लोप के, 15,000 किलोमीटर जमीन भी कैसे हम लोग जाल बचा दे रहे रोड, ताकि कोई असुविधा नहीं हो आने जाने के लिए, कोई गांव नहीं छूटे, उस तरह का योजना शुरुआत हो चुका। कहता है यह विकास का काम नहीं हो रहा। आप लोग जानते हो गया आयुष्मान का कार्ड बहुत हल्ला होता है केंद्र सरकार की ओर से, आयुष्मान 5 लाख निजी कंपनी बहुत सा सूची बना था,
40% सब्सिडी है। कौन सोचा इस तरह जाता है, कोई विकास का कार्यक्रम नहीं है। अरे यहाँ का बेरोजगार को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सीजन बेरोजगार योजना को लाए जो 25 लाख तक और 40% सब्सिडी। ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के।
महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एवं अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पुरुषों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यदि जाति प्रमाण पत्र ना हो तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती रसीद के साथ पेंशन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें। आवेदक अगर शहरी क्षेत्र से संबंधित है तो अंचल कार्यालय से संपर्क करें। पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन जिला के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। यह शिविर दिनांक 20 फरवरी 2024 से दिनांक 22 फरवरी 2024 तक आयोजन किया जाएगा। जिला